जनादेश 2014 में कई स्थापित राजनीतिक परिभाषाएं टूटती नजर आ रही हैं, तो कई नए प्रकार के प्रयोग सफल होते नजर आ रहे हैं। तीन दशक की गठबंधन की राजनीति के बाद देश में किसी एक पार्टी को अपनी दम पर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश मिला है। 272 के जादुई आंकड़े को पार करती हुई भाजपा अब 282 सीटों के साथ विजयी मुद्रा में जब सामने आई तो एनडीए का आंकड़ा भी 334 तक जा पहुंचा। इस जनादेश से स्पष्ट है कि जात धर्म वर्ग भेद और भाषाई आधार से ऊपर उठकर कई प्रदेशों खासकर उत्तर भारत में मतदाताओं ने मतदान को अंजाम दिया है। भारतीय राजनीति में जातिवाद के तड़के को सभी दल अपने अपने हिसाब से भुनाते रहे हैं, लेकिन क्या इस बार का जनादेश जातिवाद की स्थापित परिभाषाओं को खारिज करता नजर आ रहा है? जातीय आधार पर राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुके उत्तर प्रदेश और बिहार के परिणाम इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोगों ने संभवतः विकास के मुद्दे पर जाति को महत्व नहीं दिया, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में मतदाताओं ने एक तरफा रुझान भाजपा के पक्ष में दिया है। भाजपा के पक्ष में बढ़ते जनता प्रेम का उदाहरण दक्षिणी राज्यों के परिणाम भी देते नजर आ रहे हैं, जहां पर पहली बार भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती नजर आ रही है। कभी सोशल इंजीनियरिंग की परिभाषा को गढ़ने वाले राज्यों में इस बार का वोटिंग पैटर्न उन्हीं मान्यताओं को तोड़ता नजर आ रहा है। कई दलों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भाईचारा समिति से लेकर MY समीकरण के गणित को जमकर खेला, तो कुछ दल समाज में अल्पसंख्यकों के झंडा बरदार होने का दावा करते रहे। वहीं इस देश की राजनीति ने जातीय पहचान के आधार पर कई बड़े नेताओं को शिखर से शिखर तक का सफर तय करते देखा है, लेकिन क्या था ऐसा कि जिसकी वजह से इस बार का जातीय तिलिस्म काफी हद तक टूटता नजर आ रहा है? 2009 के मुकाबले इस बार के चुनाव में करीब 10 करोड़ नए युवा मतदाता जुड़े थे, जिनकी वजह से इस बार करीब 10% अधिक मतदान भी देखने को मिला है। शायद ये वही वोटर थे जिन्होंने जातीय पहचान के मुकाबले विकास और आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा तरजीह दी है। जातीय समीकरण को तोड़ती हुई महंगाई जैसे मुद्दे ने भी तमाम वर्गों के लोगों को इस बात पर सोचने को मजबूर किया कि आखिर वोट बैंक की इस राजनीति से हासिल क्या है। लेकिन राजनीतिक जानकार भले ही इसे भारतीय राजनीति के लिहाज से बड़े बदलाव के रूप में देखें, लेकिन कुछ आंकड़े अभी भी ऐसे हैं जो इस तिलिस्म के टूटने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भले ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एक भी सीट हासिल न की हो, लेकिन प्रदेश में उनका वोट बैंक अभी भी 20% के करीब बना हुआ है, जो ये बताता है कि मायावती के प्रति समर्पित उनका वोट बैंक किसी भी परिस्थिति में उनके प्रति वफादार नजर आ रहा है। बसपा जैसे कुछ और राजनीतिक उदाहरण भी इस बार के परिणामों में नजर आ जाएंगे, जिन दलों के बेस वोट में अभी भी सेंध लगा पाना मुश्किल नजर आ रहा है। कुल मिलाकर सामाजिक ताने बाने में लगातार कई बदलाव नजर आ रहे हैं, लेकिन जातीय व्यवस्था की राजनीति के खात्मे को मान लेना फिलहाल अभी जल्दबाजी होगा। हालांकि जातीय पहचान की राजनीति के बदलाव की एक बड़ी शुरुआत के संकेत तो इस बार नजर आने ही लगे हैं। आरेंद्र प्रताप सिंह, DD News।